रोड पेयजल शिक्षा सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहा आदिवासी बाहुल्य गधावाल का झापर गांव आजादी के बाद से अब तक नहीं बना पक्का रोड। बड़वानी जिले के पाटी विकासखंड एक आदिवासी बाहुल्य विकासखंड है। यहां पर आदिवासी समाज के लोग निवास करते हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने से दूर दूर अपनी जमीन के हिस्से में मकान बनाकर रहते हैं। पाटी विकासखंड को नीति आयोग द्वारा आकांक्षी विकासखंड में चयन किया गया है। यहाँ पर शासन की तमाम योजनाएं संचालित हैं। बावजूद इसके कई ऐसे गांव हैं जहाँ पर अभी भी लोग मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं। ऐसे ही एक गांव विकासखंड के ग्राम पंचायत गंधावल में आने वाले झामर गांव का है। जनपद सदस्य कमलेश सस्ते ने बताया कि आदिवासी बाहुल्य इस गाँव की जनसंख्या करीब 1500 है। वहीं 900 से अधिक मतदाता है। यहाँ पर वर्षों पहले एक कच्चा मार्ग बना था जो कि कच्चा होकर पथरीला है। यहाँ पर सिर्फ दो पहिया वाहन ही पहुँच पाते हैं। साथ ही गांव में पेयजल के लिए एक हैंडपंप उपलब्ध है जो कि गर्मी में बंद हो जाता है। मजबूरन गांव वालों को पेयजल के लिए अन्य प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में ग्रामीणों को गांव से 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पहाड़ी झरना या झीरी से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण बताते हैं कि पहाड़ी झरने की ओर जाने वाली पगडंडी इतनी सक्रिय है कि दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इस दौरान पानी बहुत दूषित भी रहता है, लेकिन मजबूरी का आलम यह है कि उसी पानी से प्यास बुझाना पड़ता है। इसे पीकर लोग अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। गांव के भाईदास चौहान ने बताया कि उनके गांव जाने के लिए सड़क मार्ग नहीं, जिसके चलते उन्हें पैदल सफर करना पड़ता है। मरीजों को अस्पताल ले जाना हो या अपनी फसल बेचना जाना हो, ग्रामीणों को कपड़े की झोली या अन्य साधनों में अपना सफर तय करना पड़ता है। ग्रामीण कहते हैं कि रास्ता जंगल का होने से जानवरों का भी डर बना रहता है। साथ ही रात में अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। गांव में पानी के लिए लोगों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। अभी तो ठीक है, गाँव में विशेषकर गर्मियों में पानी की व्यवस्था नहीं होने के चलते यहाँ लोग 2 से 3 किलोमीटर दूर पानी लेने जाते हैं। गाँव की महिलाएँ अपने सिर पर पानी के बर्तन लेकर चलती है। रास्ता पहाड़ी का भी है और कच्चा भी, कई घंटों में सफर पूरा होता है। बड़वानी विधानसभा के नव निर्वाचित विधायक राजन मंडलोई का कहना है कि बड़वानी पहले शिक्षा का हब हुआ करता था, लेकिन अब वो बात नहीं है। स्कूल में शिक्षकों की कमी है, पढ़ाई का स्तर गिर गया है और सरकार विकास के दावे करती है जबकि आज भी धरातल पर लोगों तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुँच पाई है। पहली बार विधायक बना हूँ, विधानसभा क्षेत्र के गाँव का लगातार दौरा कर रहा हूँ। सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं है, जिसको लेकर मैं विधानसभा में मुद्दा उठाऊंगा। मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए लड़ूंगा, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाने के पूरे प्रयास कर जाएंगे। क्या नाम है जी? जी सोमका। तुम कहाँ रहते हो? सामर में। झीरे से पानी भर रहा है क्या तुम्हारे गाँव में? हेडपम्प नहीं है? मांग करी थी कभी? कर लाते खाना भी नहीं थी, करे कुनी कारण का पास गई ला तुम? ऑफिस में ले गेला। ऑफिस में ले गेला। ऑफिस में गए। कब से समस्या है तुम्हारी? कब से समस्या है ये तुम्हारी? 35 साल हो गए। तेरा? सलसिंह। सलसिंह कहाँ रहता? झामर। ये भाई लोग, तुम्हारे घर के परिवार के लोग झीरी से पानी भरने, क्या ऐसी समस्या आ रही जो झीरी से पानी भर रहे हैं? सर वो जैसा है अपन का जो पुराना समस्या है, कहीं अपन का जो कहीं चीज नहीं अपने से निकाई है। अपन का जो रोड नहीं बनिया चांग तो रोड नहीं, अपन का जो पानी नहीं तो इसका है कि अपन का झीरे से लाना पड़ता सर। वो हेडपम्प नहीं? हेडपम्प नहीं सर। और क्या परेशानी आ रही है? पानी नहीं? पानी अपन का जो हमेशा परेशानी से वो हेडपम्प नहीं तो जरूर अच्छा रहता। वो कितने किलोमीटर दूर आना पड़ता अपन का जो? हाँ सर, अपन का 2-3 किलोमीटर भी आना पड़ता आखिरी आखिरी में। अपन का डांडान मोहन अपन का आखिरी भी गर्मी में बहुत समस्या आती है। हाँ बहुत समस्या होती है सर। अभी तो बारिश का है ये नाला चलता। हाँ बारिश में जी चलता है सर, तो क्या था अपना 2 किलोमीटर भी लाना पड़ता सर। कितने फलियों में समस्या है अपना? वो चौंगड़िया फैया हुए है और खुरतिया फैया हुए बंडिया फैया हुए है। कितने लोग वहाँ पर निवास रहते? अपना आते ऐसा 2022 है सर। कोई अधिकारी या कोई जनप्रतिनिधि आते हैं? सुबह होता सर, बाकी वो हिता नहीं अपने का जो करूंगा पोलो करूंगा कोई कर देता बाकी करता नहीं वो। कितनी बार आवेदन निवेदन? आवेदन तो हमेशा अपन का जो हर चुनाव पर ही देता, हर मीटिंग में देता, हर अपने हर एक जगह अपने जाए जंक्शन से कहीं भी बुलाता चाह रखी देता था अपने। यहाँ पे कभी तुम्हारे मंत्री या सांसद या राज्यसभा सांसद आए थे तुम्हारे? नहीं आता नहीं सर, वो आता नीचे नीचे रहता। वो नीचे आता नहीं, वो कोई देता कि अपने का जो हमर में कर दूंगा सर, जो कोई जो कर दूंगा कोई देता करता नहीं वो। गर्मी में तो बहुत ज्यादा परेशानी? हाँ परेशान रहता है सर। पाटी विकासखंड के कई ऐसे गांव हैं जहां पर मूलभूत सुविधा नहीं है। आप जो झामर गांव की बता रहे हो गंधावल पंचायत में आता है, वहां पर भी पहुंच मार्ग नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। और हमारे पाटी विकासखंड सहित बड़वानी के कई गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिसमें बिजली पानी सड़क के साथ साथ में शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा भी नहीं है और बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इन लोगों को हम हल कराने का प्रयास करेंगे।
अभी हम संबंधित विभागों में भी चर्चा करेंगे, गांव-गांव दौरे करके मीटिंग लेंगे और मीटिंगों के दौरान जो समस्या आएगी उनको अवगत कराएंगे और साथ में समस्या हल नहीं होती तो हम विधानसभा में प्रश्न उठाकर विधानसभा में बहस करके उन समस्याओं का निराकरण कराने का प्रयास करेंगे। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।